हेलो गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ECS इंग्लैंड T10 2024 की जो सीरीज चल रही है, इसके 8वें और आज के दिन के 3रे मैच के बारे में। यह मैच खेला जाएगा हॉर्नक्रूच वर्सेस वेमिल्डन के बीच मैच खेला जाएगा। मैच की टाइमिंग है 6:15, डेट 28 मई 2024। आज ही की है। वेदर की बात करें तो वेदर क्लियर है। वेदर की बात करें तो आज के दोनों मैचों में बारिश आ रही है, तो इस तीसरे मैच में बारिश की उम्मीद है। ठीक है, वेन्यू की बात करें तो रियांस पार्क स्पोर्ट ग्राउंड वेमिल्डन में मैच खेले जा रहे हैं। पिच रिपोर्ट की बात करें तो एक आर्टिफिशियल पिच है जिसके बिहेवियर में कुछ भी चेंज नहीं होता, सेम रहती है बैटर और बॉलर के लिए। एवरेज स्कोर की बात करें तो 120 से लेकर 130 का बनता है। और वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, इस सीजन में 6 मैच हो चुके हैं जिसमें से 1 मैच जीता है बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, 3 मैच जीते हैं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने और 2 मैच इधर नो रिजल्ट रहे हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करें ताकि दोनों टीमों के बारे में आपको सही से जानकारी हो जाए। पहली टीम है हॉर्नक्रूच, जिसका इस टूर्नामेंट में 1 मैच में हुआ होने वाला था जो बारिश में धुल गया है, यानी मैच इनका अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर और प्लेइंग 11 जो आया था वो हमने सेट कर दिया, तो उसके हिसाब से हम आपको इनों की प्लेइंग 11 बता देते हैं। लास्ट मैच जो आज के दिन में पहला मैच था वही इनों का मैच होने वाला था, लेकिन बारिश आ रही थी तो अबॉन्डेड हो गया, तो उसमें जो प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर आया था वो हमने सेट कर दिया। तो पहला प्लेयर है जॉर्ज हैंकिंस, जिसने T10 में 30 मैच में 1028 रन बनाए 44 के शानदार एवरेज से, 12 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 5 विकेट लिए। तो एक बहुत बेहतरीन प्लेयर है और पहले मैच में प्लेइंग 11 में था, इसलिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है। सिलेक्शन की बात करें, इसका सिलेक्शन है 90%। और आपको इस मैच में ज़्यादा अगर ऐसे प्लेयरों को लेना है जो स्टार्टिंग में बैटिंग करते हो, ठीक है, ज़्यादा अगर सभी ओपनरों को ले लेना जो बैटिंग ऊपर करते हो, क्योंकि मैच होएगा तो कम ओवर का होएगा, 4-5 ओवरों का होएगा, तो ऊपर वालों की एडवांटेज रहेगी। और बॉलर भी आपको ऐसे लेने इस मैच में जो कन्फर्म ओवर कराते हो। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो का पूरा देखोगे तो ये आपको दोनों चीज़ों के बारे में सही से जानकारी होगी, सभी चीज़ों के बारे में। तो जॉर्ज हैंकिंस ओपनिंग करता है इसलिए इंपॉर्टेंट है, और इस मैच में भी ओपनिंग में मेंशन है इसलिए आप जरूर ट्राई कर सकते हो। उसके बाद है रिचर्ड बर्ड, जिसने 187 मैच में 2138 रन बनाए 18 की एवरेज से, 580 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 88 विकेट लिए, तो ओपनिंग में मेंशन है। साथ ही बॉलिंग और बैटिंग दोनों कर सकता है ओवरऑल रिकॉर्ड के मुताबिक, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर। और सिलेक्शन आप देखोगे 9% इसका सिलेक्शन है। ठीक है, उसके बाद है जॉर्ज क्लार्क, जिसने ओवरऑल 244 मैच में 3560 रन बनाए 163 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 30 विकेट लिए, तो रिकॉर्ड अच्छा है इसका ओवरऑल, क्लब के लिए बैटिंग अच्छी करता है इसलिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और फर्स्ट डाउन बैटिंग दिखा रहा है इसलिए आप जरूर ट्राई कर सकते हो। सिलेक्शन देखें तो 13% इसका सिलेक्शन है। उसके बाद है जेम्स पेलमर, जिसने ओवरऑल 125 मैच खेले अपने क्लब के लिए, जिसमें 1742 रन बनाए 17 की एवरेज से, 22 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 5 विकेट लिए। इसके बाद है इंपॉर्टेंट प्लेयर है जेम्स पॉलर, क्योंकि विकेट कीपिंग सेक्शन में कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं अपने पास इतनी जल्दी हो जिसकी बैटिंग आ रही हो, तो यह एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। सिलेक्शन आप देखोगे 14% इसका सिलेक्शन है। उसके बाद है बेली वाइट लुक, जिसने ओवरऑल 81 मैच में 1167 रन बनाए 19 की एवरेज से, 301 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 84 विकेट लिए, तो बैटिंग ऑर्डर खूब नीचे और बॉलिंग करवा सकता है, लेकिन बॉलिंग ऑप्शन इस टीम के पास खूब सारे है इसलिए आपको इसको ट्राई नहीं करना है। उसके बाद है एंडी रॉबर्ट्स, जिसने 68 मैच में 1592 रन बनाए 24 की एवरेज से, 34 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 5 विकेट लिए। उसके बाद है हैरी हैंकिंस, जो एक अच्छा खासा प्लेयर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है T10 का, 23 मैच में इसने 141 रन बनाए 43 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 34 विकेट लिए, यानी स्टार्टिंग में गेंदबाजी करवाता है और अगर इसकी टीम के पहले बॉलिंग होती है तो आप सेलेक्ट तो जरूर करना, साथ ही कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप दे सकते हो। सिलेक्शन भी आप देख सकते हो, 86% इसका सिलेक्शन है। उसके बाद है जेक होगाट, जिसने 43 मैच में 216 रन बनाए 78 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 43 विकेट लिए, तो यह भी एक इंटरनेशनल प्लेयर है और अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकता है। और सिलेक्शन भी आप देखोगे, सिलेक्शन भी 79% है, आपको बिल्कुल इसको पिक करना है। उसके बाद है ब्राइस एलिचिन, जिसने T10 के 15 मैच में 20 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 8 विकेट लिए, पार्ट टाइम की गेंदबाजी करवाता है इसलिए अपन इसको ट्राई नहीं करेंगे। इसके बाद है मार्क वाइट लुक, ये भी पार्ट टाइम के तौर पे गेंदबाजी करवाता है, 30 मैच में 30 ओवर की गेंदबाजी 21 विकेट, यानी बॉलिंग पार्ट टाइम के तौर पे करवाता है और बारिश के चांस है तो अपन इस प्लेयर को ट्राई नहीं करेंगे। उसके बाद है डेरन वाइट लुक, जिसका रिकॉर्ड कहीं भी अवेलेबल नहीं है और प्लेइंग 11 में है, तो क्या परफॉर्मेंस करेगा उसके बाद अपने को इसकी जानकारी होगी। ठीक है, इन सभी प्लेयरों के अलावा जो पहले प्लेइंग 11 में थे, उन सभी के अलावा दूसरे मैच में कोई भी प्लेइंग 11 में आता है तो उन सभी के स्टेट्स हमने लिख रखे हैं, आप वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हो या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, हम उस पर भी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, सभी प्लेयरों के स्टेट्स। बात करते हैं दूसरी टीम वेमिल्डन की, जिसका इस टूर्नामेंट में 2 मैच हुए थे कल के दिन में, जिसमें 1 मैच जीती और 1 मैच इनका नो रिजल्ट रहा था, तो 1 मैच जो कंप्लीट हुआ है उसकी हम परफॉर्मेंस आपके सामने लेके आएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। लास्ट मैच जो कल के दिन में खेला गया उसके हिसाब से हमने प्लेयरों को सेट कर दिया। तो पहला प्लेयर है जेक बॉयल,
जिसने पहले मैच में 14 रन की अच्छी खासी पारी खेली, ओपनिंग कर रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें क्लब के लिए, इसने 100 मैच खेले जिसमें 3,191 रन बनाए 31 की शानदार एवरेज से, और यह अच्छा खासा क्रिकेट खेल रखा है न्यूजीलैंड के लिए अच्छे लेवल तक, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इस मैच में कैप्टन वाइस कैप्टनसी भी आप दे सकते हो। सलेक्शन की बात करें, वेमिल्डन का प्लेयर है, सलेक्शन की बात करें इस प्लेयर का तो सलेक्शन देखने को मिलेगा 91%, एक बढ़िया प्लेयर है, ठीक है। उसके बाद है मैट बॉयल, जिसने कल के मैच में 34 रन बनाए ओपनिंग करते हुए, साथ ही एक ओवरों की गेंदबाजी कराई जिसमें 2 विकेट लिए, तो एक अच्छा प्लेयर था और अच्छी खासी गेंदबाजी भी करवाई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है और ओपनिंग करवा रहा है, इसलिए आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी दे सकते हो। इसका ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो 21 मैच में 506 रन है, 17 ओवर की गेंदबाजी, 1 विकेट। उसके बाद है चार्ली वेपल, जिसने T10 के 6 मैच में 31 की एवरेज से 124 रन बनाए, 8 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 8 विकेट लिए, बॉलिंग भी करवाता है साथ ही आपको अच्छी खासी बैटिंग करके देगा, और अच्छा खासा प्लेयर है, आपको बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं करना। सलेक्शन 94% है और आपके लिए एक मस्ट पिक है, कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप इसको दे सकते हो। उसके बाद है स्टीव रेव्स, जिसने 15 ओवरऑल के मैच में 366 रन बनाए, 33 की एवरेज से 73 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 16 विकेट लिए, यह भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। और सलेक्शन की बात करें इस प्लेयर की तो सलेक्शन है मात्र 9%, लेकिन एक अच्छा प्लेयर है और आपको बॉलिंग भी करवा के दे सकता है, ठीक है। सलेक्शन की बात करें इस प्लेयर का, पहले मैच में इसने बॉलिंग करवाई थी एक ओवर की, लेकिन वो मैच अबॉन्डेड हो गया था, इसलिए दूसरे मैच में इसको बॉलिंग का मौका नहीं मिला, ठीक है। दूसरे मैच में इसको, पहले मैच में इसने गेंदबाजी करवाई थी। इसके बाद है जेम्स वेयर, जिसने अपने T10 करियर में 6 मैच में 59 रन बनाए, और पहले मैच की बात करें तो पहले मैच में इसने 10 रन की पारी खेली। उसके बाद है बेली सेवल, जिसने पहले मैच में 1 ओवर की गेंदबाजी कराई, 0 विकेट लिए। ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें इसके क्लब के तो 222 मैच में 4,355 रन है 28 की एवरेज से, 898 ओवर की गेंदबाजी, 200 विकेट लिए, तो यह प्लेयर आपको 2 ओवरों की गेंदबाजी दे सकता है। और सलेक्शन देखोगे मात्र 9%, लेकिन अगर इन्हों की टीम पहले बॉलिंग करवाती तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। उसके बाद है निक हैकर, जिसने पहले मैच में बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं करी, विकेट कीपिंग सेक्शन में दिखेगा। ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो 129 मैच में 1,034 रन बनाए, 11 ओवर की गेंदबाजी, 0 विकेट। उसके बाद है एडम सेल्टर, जिसने 337 ओवरऑल के मैच में 5,923 रन बनाए 21 की एवरेज से, 48 ओवरों की गेंदबाजी करवाई, मात्र 13 विकेट, यानी बॉलिंग बहुत कम करवाता और बैटिंग पोजीशन इसका खूब लेट था, इसलिए अपने को इस मैच में इसको बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है। उसके बाद है जेक पालसर, जिसने T10 के 4 मैच में 6 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 2 विकेट लिए, और जो कल के दिन का पहला मैच हुआ था उसमें बॉलिंग का मौका नहीं मिला। उसके बाद है किट वेंडर, जिसने पहले मैच में 1 ओवर की गेंदबाजी कराई, 1 विकेट लिया, या एक विकेट टेकर गेंदबाज है और आप इसको फर्स्ट गेंदबाजी में कैप्टन वाइस कैप्टनसी दे सकते हो। सलेक्शन की बात करें 19% इसका सलेक्शन है, ठीक है। ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करते हैं तो 163 मैच में 1826 रन बनाए, 1264 ओवरों की गेंदबाजी के दौरान 280 विकेट लिए, ठीक है, यानी मैच से 100 विकेट ज़्यादा लिए, यानी एक अच्छा बेहतरीन प्लेयर है, ठीक है, बेहतरीन गेंदबाज है। उसके बाद है ऑलवियर पीक, जिसने 5 मैच में 9 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 4 विकेट लिए, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है और कल आज के मैच में ये बॉलिंग करवा सकता है, क्योंकि कल के दिन में इसने बॉलिंग क्यों नहीं करवाई थी, क्योंकि जो इनका मैच हुआ था, एक जो इन्होंने जीता है वो मात्र 4 ओवरों का मैच हुआ था, इसलिए जो मैन इनों के प्लेयर थे उन्होंने एक एक ओवर की गेंदबाजी करवा ली थी, ठीक है, इसलिए इसको बॉलिंग का मौका नहीं मिला, लेकिन अगर मैच पूरा होता है तो यह 2 ओवरों की गेंदबाजी करवा सकता है, ठीक है। इन सभी के अलावा इस टीम में से भी बेंच पर से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो सभी के स्टेट्स हमने लिख रखे हैं, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बात करते हैं टीम की, जो जो इंपॉर्टेंट प्लेयर थे सभी को ट्राई कर लिया। कैप्टनसी की बात करें तो चार्ली वेपल इसमें कैप्टनसी का बहुत बढ़िया चॉइस है, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेगा और नंबर 3 पर बल्लेबाजी, साथ ही 2 ओवरों की गेंदबाजी करवाएगा। इसके अलावा वाइस कैप्टन यहाँ से आप जॉर्ज हैंकिंस या फिर हैरी एंकिंस को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। यह डेमो टीम आप सेव कर लो, डेमो टीम में फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको इस टूर्नामेंट से रिलेटेड सारे वीडियो मिल जावे, ठीक है। इस टूर्नामेंट को हम पूरी तरह से कवर करते हैं, दिन के 4-5 मैच जो भी होते हैं हम पाँचों के वीडियो बनाते हैं, ताकि आपको किसी भी मैच में टीम बनाने में दिक्कत ना आए, ठीक है। और इस सीरीज के अलावा हम ECSN पुर्तगाल T10 चलता है, नाइट में 10 और 12 बजे मैच होते हैं, एक ही टीमों के बीच दोनों होते हैं, तो हम उसके भी वीडियो बनाते हैं, उसमें भी आपको अच्छी खासी टीम बनाने में हेल्प मिल सकती है हमारे टेलीग्राम के साथ चैनल के साथ जुड़ने से। साथ ही इसमें से रिलेटेड सारी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बैटिंग ऑर्डर, प्लेइंग 11, टॉस अपडेट और जो हमारी फाइनल टीम होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। वीडियो धन्यवाद।